भगवान शिव ब्रह्मांड की त्रिलोकी शक्तियों में एक है, साक्षात शक्ति का स्वरूप। भगवान शिव को त्रिभुवन की व्यवस्थाओं में संहार का दायित्व दिया गया है। भगवान शिव दुष्टों का विनाश करने, अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करने, असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करने, दुष्ट शक्तियों पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव स्थापित करने के लिए संहार करते हैं तथा उस शक्ति का ह्रास करते हैं, हरण करते हैं जो सत्यता को अप्रकाशित करती है। यानी कुल मिलाकर जो समाज के समस्त अमंगल को धारण कर मंगल प्रदान करे वह सत्ता शिव है। यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए व्यक्ति को ऊर्जा पुंज के साथ सीधे बैठना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और व्यक्ति को एक सुपर नेचुरल पावर का एहसास होता है। दूसरी ओर भगवान शिव के नृत्य के दो रूप हैं, एक है लास्य जिसे नृत्य का कोमल रूप कहा जाता है और दूसरा है टालो जो विनाश को दर्शाता है। भगवान शिव के नृत्य की अवस्थाएं सृजन और विनाश दोनों को समझाते हैं। शिव का टांडव नृत्य ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव की क्रियाओं का प्रतीक है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न लेबोरेटरी के बाहर नटराज की मूर्ति रखी हुई है। नटराज की मूर्ति के बारे में अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक फिट्ज़ोफ कैमरा ने बताया है कि वैज्ञानिक उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। कॉस्मिक डांस यानी भगवान शिव का तांडव नृत्य जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। तांडव करते हुए नटराज के पीछे बना एक चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ में अग्नि पुराने परमाणु के विनाश का संकेत देती है। इससे यह समझा जा सकता है कि अभय मुद्रा में भगवान का दूसरा दायां हाथ हमारी सुरक्षा, जबकि वरद मुद्रा में उठा दूसरा बायां हाथ हमारी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। नासा के प्रयोग का नाम भी भगवान शिव के नाम पर है। नासा के प्राइवेट प्रोजेक्ट का नाम है द शिवा प्रोजेक्ट यानी स्पेस लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल एपरेटस। यह पर्यावरण और अंतरिक्ष में बेहद मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अध्ययन के लिए बनाया गया है। नासा की एक स्टडी में बताया गया है कि पृथ्वी का पहला डीएनए भी एक शिवलिंग से आया था। यह कुछ उदाहरण मात्र है जो दर्शाता है कि शिव ही सत्य है। नासा की ओर से पिछले दशक में कई ऐसी तस्वीर अंतरिक्ष में कैद की गई जो सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़ता है। भारत समेत विश्व के कई देशों में मौजूद नदी पहाड़ में भगवान शिव की मौजूदगी प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। कैलाश मानसरोवर आज भी वैज्ञानिकों की बड़ा विषय है। भारत में मौजूद तमाम ज्योतिर्लिंग दर्शाता है उसके अंदर ऊर्जा का भरमार।